बेस में और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है? ठीक है, बेस में और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है? बेस हम कहते हैं कि स्पीशी डोनेट इलेक्ट्रॉन, और जब न्यूक्लियोफाइल की मैं डेफिनेशन करूं तो इसमें भी हम इसी तरह कहते हैं कि स्पीशी डोनेट इलेक्ट्रॉन, राइट? एक ये टर्म आप यूज कर लें कि दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। फिर क्वेश्चन ये है कि ये प्रेफर करता है, प्रेफर एलिमिनेशन रिएक्शन, कल हमने बताया बेस उसमें यूज होता है, जबकि यहां पे मेरे पास ये प्रेफर करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ये फर्क हो गया। फिर क्वेश्चन ये है कि बेस इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करता है तो वो नॉर्मली कौन सी स्पीशी होता है? शाबाश, वो नॉर्मली हमारे पास एच प्लस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो नॉर्मली जो स्पीशी होता है तो वो कार्बन पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, कार्बन पॉजिटिव यानी कार्बन केटायन में, इसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कि कार्बन केटायन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, फिर यहां पर जब हम बेस में ये पढ़ लें कि ये प्रोटॉन को डोनेट करता है, वो कार्बन पॉजिटिव को, ये एच प्लस को ज्यादातर, तो इसलिए इसको बेस कहते हैं, दूसरे को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रेफर करता है, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को प्रेफर करता है। यहां पर अभी हम सीखेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल और बुरा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहां पे आऊंगा, न्यूक्लियोफाइल पे थोड़ी बहस करेंगे, न्यूक्लियोफाइल पर। तो न्यूक्लियोफाइल की हम स्टडी करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की हम क्या स्टडी करेंगे? काइनेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की हम स्टडी करेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि कितना फास्ट रिएक्शन करता है या कितना स्लो होता है कोई। ठीक है, तो काइनेटिक प्रॉपर्टी को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के न्यूक्लियोफाइल आ जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है गुड न्यूक्लियोफाइल, एक क्या होता है? गुड न्यूक्लियोफाइल, और एक हमारे पास होता है पुअर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक होता है गुड न्यूक्लियोफाइल और एक होता है पुअर न्यूक्लियोफाइल। ये गुड न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो हमारे पास क्या करता है? फास्ट रिएक्शन करता है, तेजी के साथ, रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा होता है, और पुअर न्यूक्लियोफाइल जो होगा तो इसका स्लो रिएक्शन होगा। क्लियर है? ठीक है, अभी हम कहते हैं कि हमें गुड न्यूक्लियोफाइल और यानी और पुअर न्यूक्लियोफाइल का फर्क और किसमें डिपेंड, और क्या चीजें इसके साथ रिलेटेड है? तो ये डिपेंड करने के लिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर हमारे पास हम क्या होते हैं? यहां पर याद रखें कि न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, कोई स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर यदि हम अगर न्यूक्लियोफाइल में लिख लें, ये फ्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, लेट सपोज लिख लें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑर्डर में कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा बुरा होगा। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर जब लिखते हैं तो वो ये लिखते हैं कि हमारे पास तो है ये आयोडाइड आयन जो है तो ये बेस्ट है, फिर इसके बाद ब्रोमाइड आयन है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा फिर फ्लोराइड आयन है, और आखिर फ्लोराइड आयन। कुछ स्टूडेंट ये लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर लिखते हैं, और उसके लिए वो लोग लिखते हैं कौन सा, इसके उलट आ जाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास फ्लोराइड है, फिर इसके बाद क्लोराइड है, फिर इसके बाद ब्रोमाइड है, और फिर इसके बाद आयोडाइड है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो फिर यहाँ पे फिर मैं आपको समझाता चलूं कि ये ऑर्डर आप सॉल्वेंट को आपने देखना है कि सॉल्वेंट आपके पास कौन सा है। ठीक है ना, अगर आपके पास यहां पर क्या हो, प्रोटिक सॉल्वेंट हो, प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वो उसमें हमारे पास ये ऑर्डर करेक्ट आता है ईटा के लिए। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, शाबाश, आपके पास अगर यहां पर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो यहां पर आपने कौन सा करेक्ट करना है? फिर ये वाला ऑर्डर करेक्ट आता है। तो ईटा के लिए आप अपने साथ न्यूक्लियोफाइल में कौन सा गुड न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर है, इस तरह है लो जी, ये हेलाइड आयंस में अक्सर आपको आते हैं, तो इसमें जो है तो आप अपने साथ, क्योंकि क्यों हम इलेक्ट्रॉन के सब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर में करेक्ट आ रहे हैं। क्लियर है, तो ये आप अपने साथ नोट में लिख लें कि ये न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर है। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, आपके जो बुक की जो एग्जाम्पल है उसको अगर हम डिस्कस करें, तो उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है, एक है C2H5O-, ठीक है, और एक हमारे पास है C2H5S-। ठीक है, इसको नॉर्मली हम कहते हैं इथल ऑक्साइड आयन, ठीक है, और इसको हम नॉर्मली कहते हैं थायोल ऑक्साइड आयन। ठीक है, यानी अल्कोहल से आया हुआ, तो इसको हम थायोल ऑक्साइड आयन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये थायो अल्कोहल भी इसको कह सकते हैं, थायो अल्कोहल,
आयन भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर आप देखें इनको, तो इनको मैं डिस्कस करूंगा, इनकी ये जो नेगेटिव पोर्शन है जो कि असल में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन स्पीशी देने वाले हैं, तो ये असल में ये सारा गेम यहां पर है। इन दोनों को अगर हम देखें तो हम ग्रुप में अगर जाएं पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में आप देखें ये छठे ग्रुप के साथ रिलेटेड है 6A ने, और ये हमारे पास उमर सर से थ्योरम पूछो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है तो एक ऑक्सीजन है और एक सल्फर है। तो ये पॉइंट आप यहां पर एमसीक्यूज के लिए अपने साथ याद रख लें कि जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो क्या होता है। तो अव्वल मैं ऐसे करूंगा कि मैं ऑक्सीजन को डिस्कस करूंगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को अगर मैं डिस्कस करूं तो इसका साइज जो है तो वो सल्फर के मुकाबले में क्या है, छोटा है, क्योंकि ऊपर अबव द ग्रुप है, टॉप पे है, तो साइज इसका छोटा है। जब साइज इसका छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसकी जो फोर्सेस होंगी किसके साथ, शाबाश, सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट के साथ, तो वो ज्यादा होंगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और कौन सी है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसको शो करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक कंटेनर बना दूंगा, ये ओ कर दूंगा, और अगर ये मेरे पास, ये देखिए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ज्यादातर हम इनको डिस्कस करते हैं, सॉरी ये एच, ये एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जरा इन इंटरेक्शन को, यानी ऑक्सीजन की जो इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन के साथ है, और जब एक ऑक्सीजन और दूसरे का पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्ट हो तो इनमें जो इंटरेक्शन हो जाती है वो कौन सी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो दूसरी बात, पहली बात साइज कम, दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो फिर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो जो सॉल्वेंट के साथ जो इंटरेक्शन इनकी होती है वो भी ज्यादा होंगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए ये जब इंटरेक्शन ज्यादा होंगी इनके साथ तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए जब गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता तो हम कहते हैं कि ये वाला कौन सा प्रेफर करेगा, ये प्रेफर करेगा, शाबाश, ये प्रेफर करेगा कौन सा, प्रेफर एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करेगा तो फिर एमसीक्यूज में आपको आएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास अल्कीन होगा, ठीक है। तो ये इंट्रीटर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इस दूसरे एग्जाम्पल को डिस्कस करूं तो यहां पर हमारे पास है C2H5, ये S नेगेटिव है। अगर इसको मैं डिस्कस करूं वन बाय वन, तो वन बाय वन मैं फिर डिस्कस करूंगा कि जो S नेगेटिव का जो साइज है तो वो क्या है, डाउन द ग्रुप है, तो वो साइज बड़ा है। जब साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम हो गई, जब कम हो गई तो फोर्सेस जो होंगी सॉल्वेंट के साथ वो भी कम होंगी, और जब फोर्सेस कम होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये एस है, यहाँ पर ये हमारे पास इंटरेक्शन है, जब इनकी इंटरेक्शन यहाँ पर क्या हुई, जब ये इंटरेक्शन इसकी कम हुई, जब इंटरेक्शन कम हुई तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीशी को दे सकता है, जब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हुआ, शाबाश, ये हमारे पास क्या हुआ, गुड न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है। और जब गुड न्यूक्लियोफाइल हुआ तो ये क्या करेगा, ये प्रेफर करेगा ऐसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को प्रेफर करेगा, ठीक है। और जब न्यूक्लियोफिलिक प्रेफर करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट कोई और होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुड बेस प्रेफर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी स्ट्रॉन्ग बेस, और गुड न्यूक्लियोफाइल प्रेफर एसएन रिएक्शन, ठीक है। एक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था, यानी फोर्स, यानी ये जो तीन फैक्टर, इसको आपने सोचा, यानी सॉल्यूट का, यानी ये सॉल्यूट कंसिडर हुआ है, और सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन के बुनियाद पर आप ये बातें कर सकते। दूसरा इसमें हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास है स्टीरिक हेंड्रेंस, स्टीरिक हेंड्रेंस। तो स्टीरिक हेंड्रेंस को अगर आप और से देखें तो स्टीरिक हेंड्रेंस में होता क्या है, शाबाश, स्टीरिक हेंड्रेंस में आपकी बुक की मैं एक एग्जांपल कह दूंगा, ये मेरे पास लेट से बुक की आप एग्जांपल तो नहीं लेकिन जनरल समझा दूंगा, एक ये है और एक हमारे पास कौन सी एग्जांपल होगी, ये ठीक है। इस मरतबा इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है अच्छा और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो जरा कॉन्सेप्ट को देखने अच्छा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। एक ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं मिथॉक्साइड आयन, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड आयन, ठीक है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड आयन, और ये मिथॉक्साइड आयन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, अभी मैं कहता हूं कि ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है लेकिन गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात को याद सुन, यानी जितना स्टीरिक हेंड्रेंस ज्यादा होगी, किताब किताब खबर रखा सोच सराव गई, जितनी स्टीरिक हेंड्रेंस ज्यादा होती है तो वो गुड बेस तो हो सकता है लेकिन वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए सिर्फ ये है, यहाँ पर ये हमारे पास गुड न्यूक्लियोफाइल है, आप कहेंगे कि इसमें रीजन क्या है, रीजन इसमें ये है क्योंकि बेस का ताल्लुक, यानी बस उस ताल्लुक से सीधा ऊपर नीचे था, बेस से
न्यूक्लियोफाइल लेता सुबह शोर ठीक शो बेस का बेस का किसके साथ ताल्लुक होता है एच प्लस के साथ उस पूछ भी ना तो एच प्लस तो बहुत छोटा होता है अगर आप कहें कि ये देखो पीछे से सॉरी स्टीरिक हिंड्रेंस है ओहो सॉरी ब्लॉकेज हुई है तो ये तो बहुत छोटा है ये यहाँ इसके साथ रिएक्शन हर हाल में कर सकता है अगर यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो भी तो इसको कोई असर नहीं पड़ सकता तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो देखें स्टीरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा हो तो ये हमारे पास अच्छा बेस हो सकता है क्योंकि बेस का काम सिर्फ और सिर्फ एच प्लस प्रोटॉन के साथ है और प्रोटॉन बहुत ज्यादा छोटा होता है वो कहीं ना कहीं तरीके से अपने आप को एडजस्ट करके रिएक्शन जो है तो वो कर लेंगे तो ये गुड बेस के लिए। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसका ताल्लुक किसके साथ होता है इसका ताल्लुक जो है तो वो तो सी प्लस पे जाता है ठीक है और सी प्लस को खुद चार बॉन्ड बनाता है आपको पता है ना तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल को क्या होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए यानी इसकी तरह वो अगर आप इस पे समझ चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन लाइनों को जब रीड करेंगे तो वो यही कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो वो बेस एक्ट करेगा और जब बेस एक्ट करेगा तो फिर ये कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करेगा एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा तो ये भी एंट्री टेस्ट में आ सकता है कि जब स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है किसी स्पीशी में तो वो एक्ट एज अ बेस और प्रेफर एलिमिनेशन लेकिन जब जो स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट्स आपने जो क्वेश्चन किया था गुड न्यूक्लियोफाइल और जो कल किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल लास्ट में ये वाली एग्जाम्पल की थी ये प्रोपेन वाली तो उसको ये बातें समझ आ गई होंगी ठीक है। और जो जिस स्टूडेंट ने ये लास्ट में किया था वो जरा हाथ उठा ले वो एक स्टूडेंट जिसने किया था मुझे नाम उसका नहीं याद वो समझ चुके हैं नहीं रेज योर हैंड। अच्छा उमें अमन ठीक है ठीक है उमें अमन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ चुकी होंगी लेकिन फिर भी अगर कोई वो हो इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस कर लेंगे वेरी गुड थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया था वो SN1 और SN2 में तो वो मैंने कंफर्म कर लिया है। SN1 जो होता है ना SN1 उसमें हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ठीक है और SN2 में हमारे पास कौन सा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ठीक है तो याद रखें फिर इसमें हाँ इसमें हमने कहा था कि इसमें हमारे पास रेसेमिक मिक्सचर बनता है ये मैं ठीक था रेजेमिक मिक्सचर बनता है ठीक है और रेजेमिक मिक्सचर में जो है तो अगर मेरे पास हम देखें ना तो ये हमारे पास वो है ठीक है तो अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है ठीक है तो इसका प्रोडक्ट इस तरह होगा ठीक है लेकिन न्यूक्लियोफाइल यहां पर फ्रंट से अटैक करता है फिर हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह के होंगे ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ना ये वाला जो है ये फर्स्ट तो ये हमारे पास बिल्कुल बैक से आया तो ये हमारे पास इन्वर्जन प्रोडक्ट हुआ कल हमने इसको रिटेंशन करवाया था ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है ठीक है स्टूडेंट्स और ये रिटेंशन यानी जहां से ग्रुप गया वहीं से फ्रंट पे अटैक भी हो गया तो ये रिटेंशन यदि बरकरार रखा तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट है ठीक है तो 50% चांस ये होता है और 50% चांस ये होता है तो SN2 में जो है तो इसी तरह जब एक इन्वर्जन प्रोडक्ट हो एक रिटेंशन प्रोडक्ट हो तो इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम रेजेमिक मिक्सचर कहते हैं ठीक है तो ये हमारे पास पॉइंट है ठीक है ना और जबकि वो SN1 में जो है तो 100% जो है तो वो इन्वर्जन प्रोडक्ट जो है तो हमें हासिल हो सकता है या रिटेंशन प्रोडक्ट ठीक है तो ये हमने डिस्कस किए तो आज जो है तो आज हम अपना टॉपिक जो है तो आगे लेकर चलेंगे और हमारा टॉपिक जो है शाबाश वो एमाइड है ठीक है एमाइड है तो एमाइड को तो हमने कल डिस्कस कर लिए थे बीसीसीटी आज उनकी हम क्या डिस्कस करेंगे आज उनकी हम डिस्कस करेंगे शाबाश प्रेपरेशन आज हम एमाइड की प्रेपरेशन को डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रेपरेशन ऑफ एमाइड तो एमाइड की जो है तो सॉरी अमीन एमाइड तो फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप में आ सकता है प्रिपरेशन ऑफ अमीन एमाइड अगला टॉपिक है ठीक है तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन को जब हम डिस्कस करते हैं तो पहले इसमें हमारे पास है नंबर वन है अल्काइलेशन पे है अल्काइलेशन तो इसमें एक एमसीक्यूज ये आता है कि अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड ठीक है ना तो जब अल्काइलेशन करते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेटेड एमसीक्यूज आता है वो एमसीक्यूज आप अपने साथ लिख लें कि इसमें हम ऑब्टेन करते हैं एक नहीं बल्कि ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ अमीन ठीक है एक अमीन नहीं बल्कि हम ऑब्टेन करते हैं मिक्सचर ऑफ अमीन तो मिक्सचर ऑफ अमीन हमारे पास कौन सा है ये देखिए ना अमोनिया मैं लेता हूँ ये NH3 है ठीक है तो
पहले क्या होता है, यहां से ये जाता है तो इससे हमारे पास ये बन जाता है, ये हमारे पास प्राइमरी एमीन। जब ये जाता है तो हमारे पास ये आ जाता है दूसरा, ये सेकेंडरी एमीन। जब तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाता है तो ये हमारे पास ये तीसरा यानी टर्शियरी एमीन, और फाइनल में यहाँ इसके साथ एक लोन पेयर होता है जो वो ये भी देता है, और यहाँ पर हमारे पास हासिल हो जाता है चौथा फॉर्म, जिसमें हमारे पास मिक्सचर हासिल होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी साल्ट यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमारे पास इसकी प्रिपरेशन है तो वो हमारे पास है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन है, फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल है, और फिर रिडक्शन ऑफ एमाइड है। ठीक है, तो रिडक्शन प्रोसेस को स्टडी करेंगे। रिडक्शन किस किस की है, शाबाश, एक नाइट्रो एल्केन, दूसरा हमारे पास कौन सा है, नाइट्राइल्स। इस पे बड़े बड़े मैकेनिज्म हैं, लेकिन अभी टाइम आप मैकेनिज्म को तो लिखते नहीं है ना, सिर्फ जो है तो यहाँ पे एमाइड जनरल प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए। तो नाइट्रो एल्केन जब बनता है, नाइट्रो एल्केन, नाइट्राइल और एमाइड, तो नाइट्रो एल्केन तो आप अभी जानते हैं, नाइट्रो एल्केन किसे कहते हैं, ये आर एन ओ, ठीक है, नाइट्राइल्स आप जानते हैं, ये आर सी एन, ठीक है, इसको अल्काइल साइनाइड भी कहते हैं, ठीक है, और एमाइड भी आप लोग जानते हैं, शाबाश, कैसे कहते हैं, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रिडक्शन इनकी करेंगे, ठीक है। तो इनकी रिडक्शन जब करेंगे तो फिर वही इनकी रिडक्शन करते हैं, इनकी रिडक्शन हम दो तरीकों से करते हैं, या हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से करेंगे, या हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे, ठीक है। जब हाइड्रोजन से करेंगे तो हम किसको इस्तेमाल में लाएंगे, जब हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो हम यहाँ पर प्लेटिनियम या पैलेडियम को यूज करेंगे, ठीक है, और लिथियम एल्यूमिनियम, और इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है तो ये तो सिंपल ईथर के साथ होता है, ठीक है, इसके थीरियल सोल्यूशन होता है, सॉल्वेंट के तौर पर ये काम करते हैं। जबकि यहाँ पर अगर इसकी रिडक्शन को मैं स्टडी करूँ तो इसको भी रिडक्शन दो तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है, उसी तरह हम हाइड्रोजन भी ले सकते हैं और इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनकी रिडक्शन उसी कंडीशन पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसकी रिडक्शन करवाते हैं तो आपके बुक ये भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आपके बुक यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा चुके, ठीक है। तो इनकी रिडक्शन हम करते हैं तो हमारे पास फिर क्या हासिल होते हैं, शाबाश, इनसे, इनसे और इनसे जो प्रोडक्ट हासिल होता है तो क्या आता है, अमीन, यहाँ से भी अमीन और यहाँ से भी अमीन, इज इट क्लियर। तो ये जनरलाइज फॉर्म में आप अपने साथ याद रख लें कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन, नाइट्राइल्स एंड एमाइड कैन बी डन बाय आइदर द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड इन बोथ दी फॉर्म वी विल गेट, वी विल ऑब्टेन द अमीन, ठीक है। तो ये अमीन की प्रिपरेशन हुई, तकरीबन दो प्रिपरेशन है, एक अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया से मिक्सचर हासिल होते हैं, जबकि रिडक्शन से भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अमीन हासिल होते हैं। अभी इनके इनके मैकेनिज्म और इनका मैकेनिज्म बाकायदा बड़े बड़े मैकेनिज्म, इनको चार चार पाँच पाँच स्टेप्स में वो करते हैं तो फिर तो पूरी ट्यूशन की क्लास हो जाएगी। तो लिहाजा जनरलाइज फॉर्म में आप याद रखें कि रिडक्शन से प्रोडक्ट कौन कौन से हासिल होते हैं, अक्सर ये आपको आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन ऑफ अमीन्स, रिएक्शन ऑफ अमीन्स। तो रिएक्शन ऑफ अमीन में जो है तो फिर पहला वही इसका रिएक्शन है, अल्काइलेशन है, अल्काइलेशन ऑफ अमीन। अल्काइलेशन ऑफ अमीन से हमारे पास क्या हासिल होता है, सेकेंडरी टर्शियर क्वार्टरनरी, ठीक है ना, प्राइमरी अमीन की जब हम अल्काइलेशन करते हैं, जब 1 डिग्री अमीन की हम अल्काइलेशन करते हैं तो हमारे पास ऑब्टेन होते हैं सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन और क्वार्टरनरी अमीन, ठीक है। तो इसके लिए शर्त ये है कि इसके लिए आप शुरू में जो टारगेट यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो आपके पास प्राइमरी अमीन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है तो नेक्स्ट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा हमारे पास रिएक्शन है कीटा के लिए, ये आपको आता है कि रिएक्शन ऑफ अमीन विद एल्डिहाइड और कीटोन बहुत जरूरी है, रिएक्शन ऑफ अमीन विद कीटोन और एल्डिहाइड बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या आते हैं, ये आपको एमसीक्यूज में आता है कि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड, शाबाश, इसको हम कहते हैं इमीन, और इसको हम कहते हैं शेफ बेसिस, ये हमें बहुत जरूरी आपको आएगा, अच्छा, इमीन या शिफ बेसिस। और इमीन या शिफ बेसिस की पहचान क्या है, ये देखिए सी, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये अल्काइल, और यहाँ पर हमारे पास ये आर और ये आर। तो याद रखें शिफ बेसिस की जो बड़ी पहचान है तो वो होगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ से इसके साथ आर है और यहाँ इसके साथ भी आर है, फिर ये साइड में एरोमेटिक भी हो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन ये इमीन की पहचान है। अगर कोई आपसे पूछे कि शिफ बेस इमीन की क्या पहचान है, तो ईटा के लिए आप याद रखें कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के साथ साइड में दो अल्काइल, और जो नाइट्रोजन के साथ तीसरा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है और दो अल्काइल और वहाँ पे एक अल्काइल, तो ये हमारे पास शिफ बेसिस या इमीन कहलाया जाता है। और बुक में अगर फिर आप देख लें तो एल्डिहाइड में जो है तो एनालिन लिया गया है, जबकि
इसके साथ कीटोन भी जब लिया गया तो इसमें भी इमीन बनते, क्योंकि जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें आपको ये कंडीशन नजर आएंगी, शिफ्ट बेसिस इमीन नजर आएंगे, तो इसलिए आपके पास रिएक्शन हुए। कितने रिएक्शन हुए? एक अल्काइलेशन और एक रिएक्शन ऑफ अमीन विद कीटोन और एल्डिहाइड, दोनों में शिफ्ट बेसिस इमीन पैदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एमाइड्स। अभी एमाइड्स को प्रोड्यूस करना है, प्रिपरेशन ऑफ एमाइड्स। तो एमाइड्स को जब प्रोड्यूस करना है तो एमाइड्स को हम कैसे पैदा करते हैं शाबाश? तो एमाइड को पैदा करने के लिए बहुत रिएक्शन यहाँ पे, प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड टू प्रोड्यूस। हाँ, इसमें भी तीन एमसीक्यूज बहुत जरूरी हैं, आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीन एमसीक्यूज आपके साथ जरूरी है कि आ सकें। तो तीन एमसीक्यूज क्या है? अगर आप प्राइमरी अमीन लेंगे तो फिर आपके पास कौन सा एमाइड आएगा, लेकिन अगर आप सेकेंडरी अमीन लेते हैं तो फिर आपके साथ कौन सा एमाइड आएगा, और अगर आप टर्शियरी अमीन लेते हैं तो फिर आपके साथ कौन सा एमाइड आएगा। डेट जरूरी पॉइंट थी, इस दफे देखिए नो सीनी मैकेनिज्म प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन से हमारे पास जो आएगा, आपके बुक में लिखा है एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, इससे क्या हासिल होगा? एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ठीक है, इससे क्या होगा? एन एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ठीक है, और थर्ड केस में हमारे पास क्या हासिल होगा? नथिंग। एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड क्या है शाबाश? ये है, देखें आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर, इसको कहते हैं, ये फॉर्मूला है एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का, बुक में फिर आप लोग चेक कर लें। ये तो मैं जनरलाइज फॉर्म में आपको लिखवा रहा हूं ना, ये देखिए ये चीज। ठीक, लेकिन अगर आप एन एन डाई सब्स्टिट्यूटेड तो ये चीज होगी आर, बुक के व्याचे कई होम दाशी जुली एन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एन, यहाँ पर भी आर और यहाँ पर भी एन आर। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं एन एन डाई सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट। लेकिन तीसरा में, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन था, तो ये फर्दर अभी इसके साथ और कोई है नहीं हाइड्रोजन, तो लिहाजा हम कहते हैं कि टर्शियरी अमीन जो होता है तो वो एमाइड को जो है तो नहीं बनाते, क्योंकि इसमें हैव नो हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डायरेक्टली है ही नहीं कोई फर्दर जो फर्दर उसको लेकर चले। तो इसलिए हमारे पास ये प्रिपरेशन ऑफ एमाइड में ये पॉसिबल जो है तो तीन एमसीक्यू से आ सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं और कौन से नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, रीजन उसका। ठीक है, और आखिर में इसका जो हमारे पास टॉपिक है, चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, वो है प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन कैसे होगी? अभी आपको पता है, बहुत सिंपल बात है कि जब हम प्राइमरी अमीन लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी अमीन लेते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। अभी नाइट्रस एसिड क्या है, ये आपको ईटा में आएगा कि नाइट्रस एसिड क्या है, तो इसका फॉर्मूला है HNO2, ये याद रखें। ठीक है, HNO2, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा शाबाश? इससे हमारे पास बनेगा क्या? इससे हमारे पास बनेगा डाइजोनियम साल्ट। इसमें कुछ जनरल बातें हैं, वो बातें ये है जो आपको सीखनी है कि ये नाइट्रस एसिड कैसे बना। याद रखें, ये बना है रिएक्शन यानी NaNO2 प्लस HCl से। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा शाबाश? यहाँ पर हमारे पास बना HNO2 प्लस NaCl। तो ये एक बुनियादी चीज़ है कि HNO2 की फॉर्मेशन। दूसरा ये है कि ये आप डायरेक्ट नहीं लेंगे बल्कि साथ साथ में फिर थोड़ा थोड़ा ये लेंगे, थोड़ा थोड़ा ये लेंगे, तो ये HNO3 जो है तो ये फ्रेशली यूज्ड, क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो ये फ्रेशली आप इस्तेमाल करेंगे डाइजोनियम साल्ट के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास ये कहते हैं कि यहाँ पर जब ये डाइजोनियम साल्ट बनता है तो ये हमारे पास हाईली जो है तो अनस्टेबल होता है। ये हमारे पास क्या होता है शाबाश? हाईली अनस्टेबल ये डाइजोनियम साल्ट। देखिए सारे ईटा के क्वेश्चन, ये जो बनता है तो ये क्या होता है? पहले ये पढ़ा आपने कि ये क्या चीज़ है और किससे बना, और फ्रेशली ये यूज होते हैं, दूसरा कि डाइजोनियम, तो ये क्या होता है? अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल होता है तो फिर ये फर्दर क्या करता है? आपकी बुक में ये रिएक्शन नहीं है लेकिन फिर भी ये लिख लें जर्नली कि ये जब अनस्टेबल होता है तो फिर फर्दर ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये फर्दर जब अनस्टेबल होता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज किसमें होता है? यही एमसीक्यूज में, डाइजोनियम साल्ट इज फर्दर डिकम्पोज इनटू कौन कौन सी चीजें पैदा करता है? एक इसमें ये पैदा करता है नाइट्रोजन, दूसरा इसमें HCl और तीसरा इसमें ROH।
ठीक है ना। तो ये तीन चीजें पैदा करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डेजोनियम साल्ट। और डेजोनियम साल्ट अनस्टेबल कौन कौन से स्पीशीज को टूटता है, नाइट्रस एसिड के लिए लिया जाता है। तो ये हमारे पास एंड हुआ यहाँ पर, और इंशाल्लाह ताला हम फिर मंडे से जो है तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपने जो चीज़ें पढ़ी, अमीन बहुत जरूरी था, उसकी बेसिसिटी जो आपने पढ़ी, ये न्यूक्लियोफाइल और बेस में फर्क पड़ा, SN1, SN2, E1, E2, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इंशाल्लाह ये कार्बन के टाइन और ये कार्बन के टाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इन सबको जब मिलाया जाए आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह यहां से आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन जो है तो आपको आएंगे और इंशाल्लाह इसको सही तरीके से आप स्टडी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं।